और आज ये काम चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। समर्पण की इसी स्थिति में मैं बोलता हूँ, गुरु जी ने एक बार कहा था कि तू जाकर श्री शैलम में साधना कर ली। श्री शैलम में साधना कर ले करने से पहले कहा था कि केवल बस का किराया ले जाना और 3 दिन साधना करना और खाना कुछ भी नहीं खाना है, तुझे लेके आना है। तब यहाँ से 12 रुपये किराया था श्री शैलम का हैदराबाद। मैं नौकर की छुट्टी लेकर 12 रुपये लेकर चला गया। साधना करो, गुरु जी ने जो आज्ञा दी थी वैसा ही करना है। शिविर पूरा 3 दिन की साधना हुई। 3 दिन की साधना होने के बाद मुझे पता चला कि अब हैदराबाद कैसा जाऊँ। 12 रुपये लेके गया, गुरु ने कहा केवल जाने का किराया लेके जाना, आने वाने का किराया नहीं ले जाना, जाना वहाँ पहुँचना। 3 दिन तो पानी पी निकाला। अब जान में जंगल से जब बाहर जा रहा था तो भूख इतनी जबरदस्त भूख लग रही थी कि अब कुछ खाएं, यंग था ही था, भूख लग रही थी। तो देखा कि अब गुरु जी ये मेरी तो स्थिति बहुत खराब है। एक तो जाने के हैदराबाद टिकट के पैसे नहीं है, खाने के लिए जाऊं तो जंगल से जब तक मैं श्रीशैलम के मंदिर जहां बस है वहां बस स्टैंड पहुंचा तो रात के 11 बज गए थे। वहां बस नहीं, दुकानें सारी बंद, दरवाजा बंद, सब बंद। तो बाद में ऐसे ही बैठे बैठे कोई एक दोनों तीनों साधु सब बैठे थे, बात कर रहे थे, बोले माता परमब्रह्मा यहाँ अजय यहाँ है, बहुत ये ज्योतिर्लिंग की शक्तिमान देवता है, इसमें शक्ति बहुत सारी है और इस शक्ति को अगर आप देखेंगे तो आप अचरज करेंगे, वो जो भी इच्छा पूर्ण जो भी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। तो उतने में वो जो मैं वहाँ आया तो सब जब इलाज वगैरह भी नहीं थे, बाहर एक मंडप के जैसा रहता था मंडप में ही। अब बोला कल सुबह तक तो बस नहीं आएगी, रात में मंडप में सोना है, मंडप में सो जाएंगे। उस साधु के कहने पर कि यहाँ की माता बहुत शक्तिशाली है, बहुत श्रेष्ठ है, इसके ऊपर से होते तो मैं समर्पण भाव से जो गुरु जी ने मंत्र किया था वही मंत्र कर रहा था और गुरु जी को कहा। तब तक भी मेरे मुँह से यह नहीं निकला कि गुरु जी मुझे भूख लगी है, लेकिन मुझे उस समय लगा अगर यहाँ यही बात वशिष्ठ महर्षि व्यास महर्षि से भी हुई थी, जब वो काशी गए थे तो उन्हें भूख लगी और अन्नपूर्णा माता से मांग रहे थे कि तू मुझे अन्न लाके दे। मुझे वो घटना याद आई कि अन्नपूर्णा माता से वो कहते हैं जैसा शिवजी ने मांगा था, अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवीरा किसी तीर्थम भिक्षा देवी से पार्वती। शिवजी ने ही काशी में अन्नपूर्णा से माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, व्यास महर्षि भी मांगे तो व्यास महर्षि को भिक्षा नहीं मिलने पर वो काशी को ही श्राप देने चले गए थे। ऐसी स्थिति थी तो महान ऋषियों को भी जो भूख लगी तो वो भी मांग रहे थे। तो मैं आज क्यों नहीं, यहाँ शक्तिपीठ की माता है उनको मांगू कि मुझे भूख लगी है माँ तो कुछ न कुछ दे। रात के 11 बज रहे थे और वो साधु सब लोग बैठ के वो सब गांजा बींजा पी रहे थे। अब तो वहाँ जाने की नहीं ना बात करने की नहीं, वहाँ बैठा था एक जगह कोने में बैठ गया और थोड़ी इतनी थकावट थी कि लुढ़क जा बस नींद आ गई थी, वहीं वहाँ सोने की बात कर रहा था। और मैं मन ही मन कह रहा था तुम्हें माँ कहते हैं, माँ बेटे का पेट देखती है और पत्नी बेटे का पॉकेट देखती है, यानी मत बोलना ऐसा है। आजकल की दुनिया ऐसी ही है कि माँ ही पेट देखती है कि माँ भूख लगी है बेटे को तो वो अपना सब कुछ निवारण करती है और माँ केवल पत्नी के बारे में आप जानते हैं। मैं नहीं कहना चाहता। तो ये सारी चीजें जैसे हैं तो उस माँ से प्रार्थना कर रहा था कि अगर तुझे लगता है कि तेरा कोई बेटा गुरु साधना करने वाला यहाँ भूखा सो रहा है तो तू जरूर मेरी भूख मिटाएगी। ऐसा कहते हुए सो गया, बहुत एकदम थक जाने से गहरी नींद लग गई। देखता क्या हूँ कि उस समय एक बूढ़ी लटकती हुई हाथ एक लकड़ी लेकर एक बूढ़ी चलती हुई आ रही हुई है। उस लकड़ी से उसने मुझे मारा, कूद मार रहे भाई उठा, क्या सो रहा है? मैंने सो रहे आपको ने? मैं भी यहाँ सोना चाहती हूँ, हट, ये मेरी जगह है। मैं बोला यहाँ सोने भी नहीं देती मुझे, ये तो यहाँ से हटा रही है। उसने यहाँ ये मेरी जगह है तो यहाँ से हट। मैं कहा माँ सोने के लिए जगह नहीं है, मुझे क्या बोलता है सोने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ से हट जरा, हट के बाजू पे जाके सो जाना, कहीं भी जा नीचे सो जा। मैं बोला इस बूढ़ी तो ऐसी है, उठ के जा रहा था तो फिर लकड़ी से मारी जोर से। मैं बोला देखा क्या है, क्या मार रहे? अरे क्या है को करता है, उठ तो जा रहा है, सारा भूखा पेट मर रहा है, देख मैं पुली होरा बना के लाई हूँ, इतू खा ले, मैं खाती हूँ। और उसने उस रात में मुझे पुलिहोरा दिया और मैं जैसा ही पुलिहोरा खा रहा था पीछे पलट के देखा वो नहीं थी। ये मेरे गुरु की समर्पण की स्थिति है, जो गुरु को समर्पण के साथ साधना करता है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। उस रात में उसने वो पुलिहोरा मुझे दिया जो आंध्र में ज्यादा करके बनता है और उसने मैं पुलिहोरा खाया। देखता हूँ तो बूढ़े कहीं भी नहीं है और वो मेरी जगह जहाँ सो गया था वो इतनी साफ है जैसे कोई सोने के लिए अभी अभी पत्थर बिछाया गया और उसने सोने के लिए दी। ये मेरा जीवन का अनुभव है। मैं आपको कह
कहता हूँ जब तक समर्पण हमारे गुरु मंत्र के प्रति, गुरु साधना के प्रति, गुरु के प्रति, देवता के प्रति नहीं है, तब तक हम उस श्रेष्ठता को अनुभव नहीं कर सकते। और इस श्रेष्ठता को अनुभव करने के लिए समर्पण का होना जरूरी है और अपने गुरु को अपने पास स्थापित करना। जिस दिन गुरु जी कहा करते थे, मुझे आज भी याद है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहा करते थे, जिस मुख से अगर मैं मंत्र बोलता हूँ तो देवता प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो ये बात याद रखो, इस मुख से अगर मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो तुम देवता बन जाओगे, कल पूजे जाओगे। और गुरु जी ने वो नाम पूजे, जिस दिन मेरा नाम लिया, आज कहता हूँ आज मैं पूजा जाता हूँ, एक मानव में छोटा सा देवता ही हूँ। ये गुरु का, मेरे गुरु की शान में कह रहा हूँ, मैं देवता अपने आप को नहीं समझता, लेकिन गुरु के शान में कह रहा हूँ कि गुरु जी ने अपने मुख से अनिल बहुत बार कहा था, शिविर में भी कहा था, आज उनका वो वचन सिद्ध है कि आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हूँ। गुरु अगर मुंह से देवताओं को प्रत्यक्ष कर सकता है तो तुम्हारा नाम लेता है तो उस गुरु मुख से तुम देवता बन जाने की क्रिया करते हो, तुम देवता बनोगे जरूर। ये समर्पण चाहिए, गुरु तुम्हारा नाम ले, गुरु तुम्हारे से सेवा पूछे, गुरु तुम्हारा तुम्हारे लिए चाहे कि तुम्हारे लिए गुरु में तड़प। आज भी एक बार एक गुरु पूर्णिमा शिविर से पहले रवि भैया के पिताजी थे, गुरु जी छोटे गुरुदेव की शादी थी और हम सब लोग जाने वाले थे, लेकिन मैं किसी कारण पैसे की तंगी थी, नौकरी करता था, नहीं गया। तो रवि भैया के पिताजी थे, पिताजी से उन्होंने कहा कि क्या जोशी नहीं आया, वो शादी में गुरु जी ने भी बुलाया था लेकिन पैसे उनकी तंगी के कारण नहीं गया। तो उनके पिताजी ने कहा, नहीं गुरु जी, उसकी तबीयत खराब है। एक मिनट, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आया। तो उन्होंने कहा था, दो मिनट आंखें मूंद ले, चल उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, तबीयत अच्छी है, ऐसी बात कह दिए। और उन्होंने एक बात मुझे आने की बात बताई और कहा कि गुरु जी तुम्हें जोशी जी, गुरु जी तुम्हें भी गुरु जी याद करते हैं। मुझे आंखों में आंसू आए कि इतना बड़ा महान व्यक्तित्व जो देवताओं को भी याद करता है, उन्होंने मुझे याद किया, वो मेरी श्रेष्ठता है। जिस दिन गुरु मुख पे तुम्हारा नाम आने लगे, गुरु तुम्हें याद करने लगे, तो समझना देवता तुम्हारे घर के सामने खड़े हुए हैं, देवता तुम्हारी सहायता करने के लिए खड़े हुए हैं, इस चीज को लेकर चलना। और हमें ऐसा होने के लिए हमारे में जो समर्पण चाहिए, हमारे में जो गुरु के प्रति निष्ठा चाहिए, हमारे में जो गुरु के प्रति एक प्रकार की ललक चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तब गुरु जी ने अपने शिष्यों को, सिद्धाश्रम के पहुंचते हुए शिष्यों को कहा था, एक बार गुरु जी के 12 शिष्यों के साथ गुरु जी निखिलेश्वर जी अपने अपने साथ जा रहे थे, तो उनके साथ एक शिष्य था जिसका नाम था मधुश्रवा, वो उनके साथ जा रहा था। जाते जाते गुरु जी चलते गए, वो मधुश्रवा था तो अपने शिष्यों को बोलते थे कि अरे ये कौन नया बच्चा मेरे साथ अपने साथ आ रहा है। तो गुरु जी ने कहा, कोई है गुरु जी? अरे इसको पता नहीं, अपने नहीं ले जा रहे, उसको जाना है। लेकिन वो उसके उनके पीछे चल रहा था, उनको खाना दे या ना दे वो कुछ नहीं, गुरु जी उसको देखते नहीं थे। 2 साल तक उनके पीछे घूमता रहा, लेकिन गुरु जी उसके साथ बात भी नहीं करे ना कुछ करे। सारे शिष्य बोलते थे, साला बेकार का गुरु जी के पीछे घूमता है, गुरु जी उसको चाहते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं लेते और गुरु जी के पीछे पड़ा हुआ। लेकिन उसके दिल में एक ललक कि मैं इस गुरु का शिष्य बनूं, और मैं इस गुरु के लिए उसकी आंखों में रोज आंसू आते थे, गुरु जी के पहचानते थे, फिर भी उसको गाली देते थे, कहते थे ये क्या बेकार का, मेरे पीछे कहीं को पड़ा है, इसको ले जाओ, अरे तू चले जा, किसके पीछे शिष्यों को कहते, उसको हटा दो। वो हटा नहीं, तो उसके पीछे खड़ा, उसने गया। जब 2 साल हुए तो एक दिन एक पहाड़ पर सब लोग बैठे हुए थे, ये मधुश्रवा पीछे सबसे पीछे खड़ा था। तो उन्होंने गुरु जी ने उस दिन उसका नाम लेकर पूरा मधुश्रवा तो इधर आ, उसके आंखों में आंसू आए, वो गए और गुरु जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर दिया, बोला गुरु जी मैं आज धन्य हो गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आपने आपके मुख से मेरे मेरा नाम सुना है, हाँ बहुत बहुत हो गया, बड़ा किसलिए घूम रहा है मेरे पास। तो उसने कहा, गुरु जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। शिष्य बनना क्या मामूली बात है, क्या समझता शिष्य का, उसका हाँ मैं शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, इस पहाड़ से नीचे कूद जाओ मैं शिष्य बना लूंगा। सभी लोग देख रहे थे, सारा ये क्या कूदेगा, 2 मिनट में गुरु जी के चरण छुआ और ऊपर से पहाड़ से नीचे कूद गया। सब लोग, गुरु जी वो तो कूद गया नीचे, वो मर जाएगा। उसने कहा, तुम सब लोग जाओ, वो नीचे झाड़ों में अटका हुआ उसको देखे आओ। वो सारे झाड़ों में अटका हुआ सारे खरों आने के बाद देखा कि गुरु जी आपकी कृपा से मैं जिंदा हूँ। उसने खरोंच की कोई चिंता नहीं की और कहा कि गुरु जी मैं आपके सामने जिंदा हूँ। गुरु जी ने कहा, मधुश्रवा ये जो सारे शिष्य बैठे हुए हैं, इसमें से सभी से श्रेष्ठ तू ही शिष्य है, आज मैं
दिव्याश्रम हिमालय में बांध रहा हूँ सात एकड़ पर और मैं उसका तुझे संचालक बना रहा हूँ, तू मेरा शिष्य है। ये सब लोग 12 के 12 लोग अवाक रह गए जो कहते थे कि ये कुछ बेकार का काम है, लेकिन उसका समर्थन था कि मैं ये गुरु बनाऊंगा। 2 साल तक उसने एक बार भी नहीं कहा कि गुरु तुमने मुझे क्यों बुलाते नहीं हो, क्यों खाना खिलाते नहीं हो, क्यों बुलाते नहीं हो, उसने कभी गुरु से नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की, वो केवल गुरु के पीछे घूमता रहा। और 2 साल के बाद आज भी दिव्याश्रम गुरु जी की स्थापना की का किया हुआ हमारे हिमालय में आश्रम है, उसे दिव्याश्रम कहा जाता है। उस इस मधुसभा का नाम दिव्यानंद रखते हुए गुरु जी ने वहाँ उसकी स्थापना की। ये समर्पण की, ये समर्पण जो हमारे में चाहिए, ये हमारे में कमी है। और इस समर्पण के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब तक तुम्हारे शरीर में गुरु उतर नहीं जाते, यानी गुरु का उतरना ही होता है कि तुम्हारे शरीर में गुरु की स्थापना नहीं होती, तब तक ये क्रिया नहीं होती। क्योंकि हम शरीर से मैले है ही है, बुद्धि से भी मैले हैं। लड़की देखी तो वही लाइट मारना शुरू, गलती से भी पैसा देखा पैसे के पीछे गए, कोई लोन दे रहा है लोन के पीछे, कोई शादी नहीं शादी के पीछे। अरे तुम गुरु को कब याद करोगे, तुम्हारे में ये बात क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे में गुरु बसा हुआ है। ये जिस दिन तुम्हारे में भावना आएगी